हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डॉकमोड हेल्थ टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है 2017 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि लगभग अगर हम देखेंगे 6 से 7 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी है ये कंपनी लर्निंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने का काम करती है, यानी कि जो हेल्थ से रिलेटेड या फिर जो भी कोर्सेज होते हैं, यानी कि जो मेडिकल कोर्सेज होते हैं, तो वो ये कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। यहाँ पर कंपनी के मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो ऑफलाइन मॉडल और ऑनलाइन मॉडल, दोनों ही मॉडल्स के ऊपर ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है। अब अगर हम ऑफलाइन मॉडल के बारे में हम बात करेंगे, यानी कि ऑफलाइन में कंपनी कैसे सर्विसेज प्रोवाइड करवाने का काम करती है। तो देखिए, ऑफलाइन में कंपनी की जो कॉन्फ्रेंसेज और जो सेमिनार्स वगैरह ऑर्गेनाइज ये कंपनी करवाने का काम करती है। फिर उसके बाद में जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं तो उन्हें फिर जो भी उसके रिगार्डिंग जो भी लर्निंग होती है तो वो वहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। और उसके अलावा अगर हम ऑनलाइन मॉडल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जो मेडिकल कोर्सेज जो बने हुए होते हैं वो यहाँ पे कंपनी अपने ऐप वगैरह या फिर जो वेबसाइट वगैरह होती है तो उसके थ्रू यहाँ पे कंपनी जो मेडिकल कोर्सेज होते हैं तो वो यहाँ पे जो लोग होते हैं तो उन्हें यहाँ पे उसके थ्रू यहाँ पे लर्निंग करवाने का ये कंपनी हमें काम करवाती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के टोटल सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स की अगर हम बात करेंगे तो 87 सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं और लगभग 35 मेडिकल जो एसोसिएशन है तो उसके साथ में यहाँ पे जो कंपनी है इसका एफिलिएशन हमें यहाँ पे नजर आता है। अगर हम कंपनी के सर्विसेज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, डॉकमोड लर्न हो गया, श्योर हो गया, नो हो गया, केयर हो गया और शॉप हो गया, तो ये करके ये जो सर्विसेज है वो ये कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के एम्प्लॉयज की अगर हम बात करेंगे 31 दिसंबर के लगभग, यानी कि अभी लगभग 2 हफ्ते पहले लगभग अगर हम देखेंगे तो कंपनी के लगभग 66 एम्प्लॉयज ये कंपनी के अंदर हमें यहाँ पे काम करते हुए नजर आती हैं। तो डेफिनेटली अगर हम देखेंगे काफ़ी छोटी कंपनी हमें यहाँ पे नजर आती है और जब इतने छोटे लेवल पे इतने ज़्यादा एम्प्लॉयज अगर काम करें तो डेफिनेटली ये एक अच्छी बात हमें नजर आती है। जैसे यहाँ पे बिजनेस स्केल करेगा तो वहाँ पे हो सकता है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमें और अच्छी तरीके से यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आए। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे कुछ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी को कुछ बाइंग करनी है, यानी कि मेरे ख्याल से कुछ टेक्नोलॉजी पे यहाँ पे कंपनी को खर्चा करना होगा, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम देखेंगे तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट, यानी कि जो डेली टू डेली कैश के रिक्वायरमेंट होते हैं उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, पॉल्सन पॉल हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं, फिर उसके अलावा हंस एल्बर्ट लिविज, ये दोनों हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। यानी कि मेरे ख्याल से जो प्रमोटर का नाम देख के लग रहा है कि यहाँ पे जो प्रमोटर्स है वो हमें यहाँ पे क्रिश्चियन नजर आते हैं। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 2021 में लगभग 7 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, फिर अगर हम 2022 में अगर हम बात करेंगे लगभग 12 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है, लेकिन अगर हम 2023 में अगर हम बात करेंगे तो 32 करोड़ के लगभग ये रेवेन्यू का नंबर हमें होता हुआ नजर आया है। यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे 2022 के कंपेरिजन में लगभग 2.5 गुना कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें होता हुआ नजर आया है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो लगभग 23 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर, सॉरी अगर हम अभी 6 महीने के रेवेन्यू के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो ये लगभग 23 करोड़ के लगभग ये नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 50 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर कंपनी का ये फाइनेंशियल ईयर में हमें होता हुआ नजर आ सकता है। यानी कि लगभग 50% की जो ग्रोथ है वो हमें यहाँ पे पिछले साल के कंपेरिजन में देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ग्रोथ वाइज यहाँ पे रेवेन्यू वाइज अगर हम ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे तो कंपनी की ग्रोथ हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छी नजर आती है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे 55 लाख रुपीज़ के लगभग कंपनी का प्रॉफिट का नंबर था, फिर अगर हम देखेंगे तो 92 लाख रुपीज़ के लगभग ये नंबर हमें होता हुआ नजर आया था। और अगर हम 2023 यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे 1.94 करोड़ के लगभग का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। और अभी 6 महीने में अगर हम देखेंगे तो 1.36 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 2.5 से 3 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट का नंबर कंपनी का ये फाइनेंशियल ईयर में हमें होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन देखिए, अगर हम ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे कंपनी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, लेकिन अगर हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करेंगे 32 करोड़ के रेवेन्यू पे हार्डली अराउंड 2 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। यानी कि लगभग 6 से 7% के लगभग का नेट प्रॉफिट का मार्जिन हमें कंपनी का नजर आता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक तरीके से टेक्नोलॉजी कंपनी हमें यहाँ पे नजर आती है, तो ज़्यादा मेन कंपनी का एक्सपेंसिव नहीं रहेगा, लेकिन जो कंपनी ने यहाँ पे अराउंड 66 एम्प्लॉयज यहाँ पे ये जो कंपनी के अंदर काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो कंपनी की एम्प्लॉय कॉस्ट रहेगी वो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा रहेगी। लेकिन अगर बियॉन्ड पॉइंट जब ये कंपनी का रेवेन्यू में बढ़ता हुआ नजर आएगा तो वहां पे मुझे लगता है कि लगभग 10-11% के लगभग का नेट प्रॉफिट का मार्जिन जो है वो कंपनी का हमें लॉन्ग टर्म एंड से यहां पे होता हुआ नजर आ सकता है।
अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 25 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 30 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 79 रुपीज पर शेयर पे कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है और 1600 शेयर का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि लगभग आई थिंक एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको 1,25,000 से 1,26,000 रुपए आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे हार्डली 6 करोड़ 71 लाख रुपीज के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है और ये जो पूरा पैसा हुआ हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और जिसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे हार्डली 3-3.5 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे यानी कि 300 से भी कम एप्लीकेशन हमें यहाँ पे रिटेल कोटा के अंदर यहाँ पे नजर आती है। इसके अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब एट दी एंड अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 31 को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है, यानी अलॉटमेंट नहीं मिलता तो एक को आपको रिफंड मिल जाएगा और एक को ही आपके डिमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 2 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब एट दी एंड अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग हार्डली 25 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम ये मान के चलते हैं कि लगभग ये साल कंपनी का 2.5-3 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट का नंबर कंपनी का यहाँ पे रहेगा तो उसके हिसाब से हार्डली 10 से 11 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए अगर हम ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे कंपनी की ग्रोथ मेरे ख्याल से काफी फिनोमिनल हमें यहाँ पे नजर आती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो ग्रोथ भी अच्छी है और आईपीओ साइज की भी अगर हम बात करेंगे तो आईपीओ साइज भी इतना ज्यादा बड़ा नहीं है। अगर हम हार्डली देखेंगे 6 करोड़ 71 लाख रुपीज के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि लगभग मैं ये मान के चलता हूँ कि लगभग 2.5 करोड़ के लगभग की अगर डिमांड 2.5 करोड़ के लगभग अगर हम देखेंगे, यानी कि जब लिस्टिंग यहाँ पे आईपीओ की होगी अगर 2.5 करोड़ के लगभग के जो शेयर होंगे अगर उस दिन हमें सेल होते हुए नजर आएंगे तो वहां पर अगर ये आईपीओ को डबल पे लिस्ट होना है तो मेरे ख्याल से 5 करोड़ की भी डिमांड अगर वहाँ पे रहेगी वहाँ पे डेफिनेटली आईपीओ में डबल पे लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। तो पॉइंट ऑफ देखा जाए तो मेरे ख्याल से यहाँ पे लिस्टिंग इनके लिए डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। और बाई चांस अगर ये आईपीओ आपको डबल पे डबल पे लिस्ट हो जाएगा तो वहाँ पे 50 करोड़ के लगभग का मार्केट कैप ये कंपनी का रहेगा और वहाँ पर अगर हम वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे लगभग 20 के लगभग का पी रेशियो हो जाएगा। तो अगर बाई चांस ये कंपनी 100% के प्रीमियम पे लिस्ट हो जाए तो भी मेरे ख्याल से वहाँ पर आप को बाय कर सकते हो 5 से 6 महीने के बीच। मुझे लगता है कि लगभग अगर मार्केट नॉर्मल यानी कि अगर मार्केट में कोई ज्यादा इतनी सेलिंग नहीं आती है तो लगभग 5 से 6 महीने में लगभग 100 करोड़ के लगभग का जो मार्केट कैप है वो ये कंपनी का मेरे ख्याल से होना चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मैं यहाँ पे क्योंकि मुझे लगता है मैं यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे कुछ रिटेल लॉट या आईपीओ के अंदर अप्लाई करूंगा। अगर मेरे को अलॉटमेंट आएगी तो मैं ये आईपीओ को रखने वाला हूँ लगभग जब तक मेरा व्यू बनेगा, जब तक कंपनी में कुछ चेंज नहीं हो जाएगा। अभी के हिसाब से मुझे लगता है कि लगभग 4 गुना के लगभग अगर ये आईपीओ होगा तो मैं फिर उसको सेल करूंगा। और अगर लॉन्ग टर्म एंड अगर मैं बात करूंगा तो उसके बाद में अगर कंपनी में और अच्छी ग्रोथ आती है तो वहाँ पर मेरा व्यू चेंज हो सकता है। और अगर बाई चांस अगर मेरे को अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो मैं इसको 100% के प्रीमियम पे अगर बाई चांस ये कंपनी लिस्ट होती है तो मैं इसको डेफिनेटली बाय करूंगा। लेकिन अगर बाई चांस 200-300% के लगभग के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी लिस्ट होगी तो मैं डेफिनेटली ये आईपीओ को अवॉइड करने वाला हूँ लिस्टिंग के बाद में। जरूर तो मैं कहता हूँ कि डॉकमोड हेल्थटेक के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।